ताम्बरम त्रिनायनाम परमाम पवित्रम उद्यत देवाकर करो ज्वलकांति कांताम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। डॉन स्टूडियो आज गणपति उत्सव के बीच में इसका उद्घाटन हो रहा है, तो इसके रास्ते में जो भी विघ्न बाधा आए भगवान गणपति गणेश जी सारी विघ्न बाधा को दूर करके डॉन स्टूडियो अच्छा से व्यापार करें, लाभ के साथ आगे बढ़ें और कभी इसके व्यापार लक्ष्मी वृद्धि में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसीलिए विघ्नेश्वर भगवान गणपति का हम लोग स्तुति गान किए, क्योंकि डॉन स्टूडियो के रास्ते में कोई विघ्न बाधा ना आए और सफलता के चरम उत्कर्ष पे जाए और हमेशा ऐसे वृद्धि करे, नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करे और व्यापार की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, लक्ष्मी कमाए और गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। और सबसे शुभ बात है कि गणपति में इसका उद्घाटन हो रहा है, इससे शुभ और हम क्या कह सकते हैं, भगवान गणेश की बहुत बड़ी कृपा है। किसी भी कार्य के सिद्धि के लिए सर्वप्रथम हम लोग गणेश का पूजा करते हैं, तो अत्यंत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि गोविंद की महिमामयी कृपा से गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में डॉन स्टूडियो का शुभारंभ हो रहा है। गणपति जी इसको इसके मंगलमय शुभकामना को उत्कर्ष पे पहुंचाए, इसको शिखर को चुन, राधे राधे। पास में किसी नामुमकिन सवाल का जवाब चाहिए तो दुनिया के हर मोबाइल का सिम उसका नाम है द वन एंड ओनली पीआरओ वसीम, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा नसीम। उसका फेवरेट डायलॉग है खुल जा सिम सिम। महमूद भाई से मेरा भले प्रोफेशनल कोई रिलेशन ना हो, एक फैमिली रिलेशन है जिसके तहत मैं हमेशा उनकी किसी भी शुभ काम में वो जो मुझे बुलाते हैं ये उनका बड़कपन है, वो मुझे मानता है ये उसकी मानता है, तो मुझे अच्छा लगता है उनके किसी भी फंक्शन में आके। और एक तो महमूद साहब मेरे बहुत ही फेवरेट रह चुके हैं कॉमेडियन, जो मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं, हम सब कॉमेडियन के उस्ताद हैं महमूद भाईजान, तो उनके नाम से इन्होंने अपना नाम रखा है, तो कभी कभी मैं मजाक में बोलता भी हूँ कि महमूद भाई हमूर रतन नूरा और महमूद भाई के पार्टी में जॉनी वॉकर पीऊँगा पूरा के पूरा। तो ये हमारे महमूद भाई की खासियत है। और आज 18 सितंबर बहुत ही अच्छा दिन है, एक अच्छा शुभ घड़ी है और इस मौके पर ये अपने स्टूडियो का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जैसे एक बजट वाले प्रोड्यूसर जो बजट को लेकर चलते हैं फिल्म बनाने के लिए कि कम से कम बजट में कितना अच्छे से अच्छा काम लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब महमूद भाई के होने की वजह से मैं सारे अपने नए प्रोड्यूसर से और जो बजट फिल्म बनाते हैं चाहे रीजनल फिल्म हो या ओरिजिनल फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, उसको यहाँ पे आके आप शूट कीजिए, आपके बजट में काम होगा, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे महमूद भाई, क्योंकि महमूद भाई खुद एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं, बजट प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उन्होंने OTT बनाई, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो उनको सब पता है, इस वजह से वो हर किसी का दर्द समझ सकते हैं और जो समझ सकता है सबका दर्द वही होता है मेरे नज़र में असली मर्द। नहीं, आज का शुभ दिन, अभी मुझे पंडित जी ने बताया कि 6 बजे के बाद में अमृत काल शुरू हुआ है, वाँ वाँ। और ये अमृत काल पूरे साल में चंद मिनटों के लिए आता है, तो वो हमारी खुशकिस्मती है कि हम 4 बजे सोचे थे लेकिन 6 बजे शुरू हुआ। और रही बात, अच्छा ही हुआ, हाँ जी, तो जो होता है ऊपर वाले के कर्म से अच्छा होता है और आप लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है कि कहाँ से शुरू किया था, क्या क्या तकलीफें झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब मैंने डॉन सिनेमा शुरू किया तो मुझे लगता था कि यार इन हाउस बनाने के लिए, अपने प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए स्टूडियोज़ और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वो एक शुरुआत की है कि अपना स्टूडियोज़ और अपना इक्विपमेंट लेकर आए,
ताकि बजट प्रोड्यूसर्स के लिए, हर आदमी आता है तो एक बजट लेकर आता है कि मेरे पास में यही बजट है और इसमें मुझे करना है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी दूंगा मैं आपको जो पूरे बॉम्बे में या पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी उस बजट में, ये मेरा प्रॉमिस है। और भाई के लिए मैंने अभी कहा कि भाई जब भी आप आएंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये है। तो कुछ हमारे चाहने वाले हैं जिनके साथ जो हमारे तकलीफ में खड़े रहे थे, हमारा वक्त आया तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ जी, ऑफकोर्स मीडिया वाले भाई, ये ग्रीन रूम आप लोगों के लिए बना है, आप आके एंटरटेनमेंट शूट कीजिए आप लोगों के लिए। बिल्कुल जी, क्या क्या इसमें आपके स्टूडियो के? इसमें अभी हमने चार सेटअप डाले हैं, एक लॉकअप और पुलिस स्टेशन का पूरा सेटअप है, कोर्ट रूम का सेटअप है, पुलिस स्टेशन का सेटअप, अपना हॉस्पिटल का सेटअप है, और एक क्रोमा सेट है जहाँ पे आपको कोई भी बैकग्राउंड बदल के करना है तो वो शूट कर सकते हैं, टॉक शोज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए छोटे स्पॉट शूट कर सकते हो, और रिहर्सल के लिए भी हमने फैसिलिटीज दी है कि अगर किसी को आके रिहर्सल करना है वो भी कर सकते हैं। कोरोना काल में पैसे नहीं है लोगों के पास, प्रोड्यूसर भी इतने पैसे नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाएंगी, हर चीज़ें सबके नीचे मिलेगी। जी, असल में मेरी जो ये शुरुआत करने के पीछे मकसद ही ये था कि जब हम डॉन सिनेमा शुरू किए तो लोग कहते थे कि सर एक बजट के तहत हमको बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए उस बजट में हमको लोकेशंस नहीं मिलते हैं, तो ये लोकेशंस के शुरुआत करने की वजह ये थी। एक तो खुद का है तो एक रेंट का रहता है सर के ऊपर कि हर महीना रेंट भरना पड़ेगा तो उसमें हमको निकालना है, तो खुद का है तो उसमें हमको तकलीफ नहीं आएगी, जितना भी हम प्रोड्यूसर को बजट फैसिलिटीज़ देंगे उतना रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और कुछ अनाउंसमेंट और है आज हमारे, वो आपके सामने अभी खोलेंगे एक वन बाय वन। जे पी भाई है, इनके एक्सपर्टीज है क्रिप्टो और एनएफटी में। हम लोग डॉन सिनेमा के साथ में एक नई टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है वो हर दिशा में बढ़ रही है, तो एक नया चीज़ लेकर आए हुए हैं डॉन सिनेमा के साथ में जे पी भाई। जे पी भाई इसके बारे में टेक्निकली ज़्यादा बता पाए। थैंक यू वेरी मच महमूद भाई, और एज ऑल ऑफ यू नो कि डॉन सिनेमा की शुरुआत एक स्टार्टअप की तरह हुई थी, और उस स्टार्टअप पे बहुत कम अर्ली बैकर्स और अर्ली सपोर्टर्स थे। महमूद भाई ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि वी कैन इन्वेस्ट विद हिम फॉर डॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सो जिसमें सबसे पहले वो इनोवेशन लेकर आए थे डॉन OTT, नाउ ही इज एक्सपांडिंग टू डॉन स्टूडियो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सेम। और जैसे आप जानते हैं कि OTT अभी एस्टैब्लिश हो चुका है, तो एवरी टाइम इनोवेटर को कुछ ना कुछ नया लेकर आना पड़ता है, तो ये नया इनोवेशन जो आने वाला है इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड इज बॉलीवुड इज मीटिंग ब्लॉकचेन फाइनली, और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का एक NFT करके एक नया रिवोल्यूशन आया हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि नॉन फंजिबल टोकन की जैसे ही शुरुआत वर्ल्ड में हुई, पेरिस हिल्टन से लेकर बहुत सारे फिल्मी और ग्लैमर वर्ल्ड ने उससे किया, तो अमिताभ बच्चन जी हु इज डेफिनेटली द महानायक और द मिलेनियम स्टार हैज ऑलरेडी लॉन्च इज NFT। सनी लियोन ने भी अपना NFT लॉन्च किया हुआ है, विशाल मल्होत्रा जी ने भी लॉन्च किया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, हम इंडिया का और प्रोबेबली एशिया का पहला NFT स्टूडियो इन पार्टनरशिप विद डॉन सिनेमा यहाँ पर ओपन करने जा रहे हैं। तो आपको अपना अपना NFT अगर बनाना हो, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। NFT इज नॉट ओनली अबाउट शूटिंग, बेसिकली इट सॉल्व्स रॉयल्टी प्रॉब्लम, अनक्लेम रॉयल्टी प्रॉब्लम फॉर आर्टिस्ट। आज आप सबको पता है कि जो गाने की 1 बिलियन हिट्स होती है उस गाने की इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ऑलवेज ट्रस्ट इश्यू रहता है। जैसे कि दिस इज वाई एम हॉट करके एक सॉन्ग था US का, उस सॉन्ग की रॉयल्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगर सॉन मीम्स को बहुत कम पैसे मिले हुए थे। ऐसे ही हर एक आर्टिस्ट, हर एक एक्टर, सिंगर या म्यूजिशियन अपने बिलोंगिंग जिसके ऊपर उनका रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी को NFT के जरिए टोकनाइज कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी का टोकन बन सकता है। उस टोकन को एक ओपन मार्केट प्लेस पे डॉन की खुद की एक पोर्टल के ऊपर डाला जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होगा। सो कोरोना के टाइम में जब पूरी इंडस्ट्री को नए पैसों की जरूरत है, सो देयर विल बी अ टोकनाइजेशन ऑफ टाइम। आप अपना अपना टाइम पर आवर, पर सेशन, पर मंथ या पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो डॉन सिनेमा से, और आपको उसके बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और एनी कॉइन इंडियन बैंक अकाउंट में सेटल होकर मिल जाएंगे। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी अर्ली बैकर। मेरी कंपनी ब्लॉकॉन कैपिटल जो सिंगापुर से है, उन्होंने डॉन सिनेमा को एक प्राइमरी राउंड में इन्वेस्ट किया है, एंड वी आर हैप्पी टू मैच दिस राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। महमूद भाई को और डॉन स्टूडियो को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और दुआ करेंगे कि उनके लिए जो
स्टूडियो खुला है, जिस पर्पज के लिए खुला है उनके लिए अच्छे से अच्छा उनका बिजनेस हो और दिन रात चौगनी तरक्की करें और डॉन स्टूडियो इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तहे दिल से इस नए मुकाम के ऊपर, नई सफलता के ऊपर हमारे साथ में हैं और एक अच्छी चीज़ हम इस मुंबई शहर में पनपा रहे जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करेगी, जिसका नाम है डॉन स्टूडियो। जो महबूब भाई जो है ये हमारे परम मित्र है, वसीम के माध्यम से इनकी हमारी बहुत अच्छी पहचान हुई है और ये जब से इंडस्ट्री में है तब से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया नया अच्छा अच्छा चीज़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी इनके बेटे के बारे में बात की कि हम ये अक्सर चाहते कि इंडस्ट्री को नए चीज़ें मिले, नए लोग मिले, नई उत्पत्ति मिले। चलो स्टूडियो के बारे में अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास इतिहास है कि महबूब स्टूडियो का, हमारे पास इतिहास है कि आर के स्टूडियो का, पर उसके अलावा भी ऐसे टाइप के स्टूडियो है जिसकी ज़रूरत आवाम को ज़्यादा है, समाज को ज़्यादा है और ऐसे स्टूडियो इनके माध्यम से इनके जितने भी चाहने वाले उनके माध्यम से यहाँ उपलब्ध हो रहे, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से आप सबकी ओर से भी धन्यवाद देता हूँ स्पेशली। और आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि इस चीज़ को जितना अपने लोगों तक, इंडस्ट्री तक फैलाएं, इंडस्ट्री के चाहने वालों तक फैला सकते तो कृपा करके फैलाने की कोशिश करें। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मैं मीडिया में भी हूँ, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं नेशनल इंटरनेशनल को पब्लिसिटी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरा अपना परिवार है, उस परिवार के हिसाब से सोचकर आप भी परिवार समझ के इस चीज़ को जितना लोगों तक पहुँचा सकते उतना पहुँचाने के प्रयास कीजिएगा। और फिर एक बार इनको धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सारे लोगों को धन्यवाद। और मुझे आज एक चीज़ और अच्छी लगी कि देखिए कि एक एक्टर होता है, एक्ट होता है, तो एक्ट इंसान के दिल से रूह से निकलता है। तो जैसे सुनील पाल भाई का एंट्री हो गया, उन्होंने सबसे पहले लॉकअप को प्यार दिया, लॉकअप के अंदर गए और लॉकअप के अंदर उन्होंने अपना इंडिविजुअल वीडियो किया। मुझे लगता है वीडियो को बहुत लाइक मिलेगा, लोग उसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि उन्होंने इस स्टूडियो को लेकर, इस स्टूडियो की एक अच्छी तरीके से एक सुंदर पहल की और उस पहल के लिए भी उनको उनका भी शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सिनेमा का एक्सपांड कर रहे हैं तो हमने डॉन सिनेमा की नई ऑफिस आसाम में खोली है और भाई ज़्यादा बता पाएंगे उसके बारे में। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्टर है उसके लिए महमूद भाई ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया है एंड मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ राशिद भाई, सफीउल्ला भाई, सिंपल गोगोई और मेरे बिहाफ पे। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आई थिंक ये इनिशिएटिव हमारे हिंदी में बोला जाए तो सर्वोपरि है, बिकॉज ये असम के जो मिड लेवल और लोकल ऐप्स है उससे कई गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, जो बड़ा सोच पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। और उम्मीद है कि ये जो भी हो पाया ये सब महमूद भाई के वजह से ही हो पाया। और हमने एक वेब सीरीज़ भी बनाई है, राइटर जिसके डायरेक्टर है, और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनी है जो हम रिलीज़ करने वाले, जल्द अनाउंस करेंगे, ट्रेलर लॉन्च करेंगे और आसाम के ज़रिए, गुवाहाटी के ज़रिए हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वर्जिन जगह है, काफ़ी काम कर सकते हैं वहाँ पे OTT के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आपका सहयोग का। आई थिंक आई लाइक टू थैंक महमूद भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बिकॉज ये आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के फिल्म मेकर्स को ब्लॉसम करेगा, उनके सोच को बड़ा करेगा, एक्सपेंड करेगा। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि महमूद जी का स्टूडियो आ गया है। थैंक यू एंड बहुत 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 अच्छा करने वाला है, गारंटी। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आप लोगों को कितनी हेल्प होगी स्टूडियो बनने से, कितना फायदा होगा? बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अलग अलग लोकेशंस मिल जाएंगे शूट करने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए। डेफिनेटली क्योंकि जब हमने डॉन शुरू किया था तो आई वॉज द फर्स्ट जिसको सोशल मीडिया की वैल्यू समझ में आई थी कि सोशल मीडिया की वजह से जितने, क्योंकि हमारे हाथ में OTT अगर हम मानते हैं तो फ़ोन के ऊपर सारा है गेम, और जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स है लाइक रीवा है और भी कहीं है, तो हमने पहले ही प्लान किया था। रीवा वॉज द फर्स्ट जो हमारे ऑफिस आई थी और हमारे ऑफिस में आके उन्होंने एक अपना वीडियो बनाया था जिससे काफ़ी हमें बेनिफिट्स मिले,
तो सोशल मीडिया का और स्टूडियो का और ओटीटी का ये आपस में लेना देना है और इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे, स्टूडियो के लिए भी होंगे और आर्टिस्टों के लिए, इन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, जितने भी मेरे सोशल मीडिया के साथ में मेरे बच्चे हैं, इन लोगों के साथ में हमने काफ़ी काम किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि जितना स्टूडियो की इनकी ज़रूरत है उतना ही इनकी स्टूडियो को ज़रूरत है। देखो आपके सोशल मीडिया की अगर बात करें, एक्टिव है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं और क्या क्या करते हैं? मैं सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ अभी, एंड बहुत सारे लोग हैं मेरी फैमिली में, इंस्टाग्राम फैमिली में बहुत सारे लोग हैं मेरी इंस्टाग्राम फैमिली में जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं भी उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हूँ सोशल मीडिया पे। रिसेंटली क्या चीज़ आपकी ज़्यादा वायरल है, कौन सा है, क्या है? रिसेंटली अभी अगर लेटेस्ट में बात करें, क्या 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 वायरल है अभी, सबसे ज़्यादा वायरल क्या है मेरा? हाँ क्या बताऊँ, मास्क के रिलेटेड वीडियो वायरल हुई थी अभी तो। वैसे शी इज़ जस्ट हमारे लिए तो कीड़ है, अभी भी बड़ी हो रही है, ग्रोन अप हो रही है हमारी, लेकिन मज़ेदार बताऊंगा, जो इनकी उम्र के हैं जो सबसे ज़्यादा फैन बेस है वो रिवा के ही है अब तक, और अच्छी बात ये है कि इनको लोग एज एन एक्ट्रेस भी जानते हैं, मॉम किया है इन्होंने, उरी किया है, उसके अलावा सोशल मीडिया पर जितनी एक्टिव ये है इस उम्र में ताज्जुब है मुझे भी। मैं कभी कभी निशा जी से पूछता हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल होता है इतना एक्टिव होना, क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल में बहुत वायरल हो रहे हैं, इनके इंस्टाग्राम के वीडियोस वायरल होते हैं, रील्स वायरल होती है, इन्होंने एक बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किया जिसके पास में इनको मंथली इनकम भी शुरू हो गई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो देर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग के सोशल मीडिया ने इनको दिया, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया को बहुत कुछ दिया। बोलना बहुत आसान होता है लेकिन इनकी मेहनत, हर दिन वीडियोस बनाना, हर दिन जाके उसके लिए मेहनत करना, फिर उसको एडिट करना, और शी इज़ द वन जो इस उम्र में एडिट कर लेती है, मतलब सारे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कहती है कि मम्मी आप बाहर चले जाओ, मैं खुद शूट करके, मैं अपना एडिट करके पोस्ट कर दूँगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉन स्टूडियो अभी फ़िलहाल ओपन हुआ है, तो मतलब जो भी मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं जिसको मतलब मौका नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने का, तो एक डॉन स्टूडियो ऐसा है जो सबको मौका देगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपके लिए कुछ खास मील का पत्थर साबित हुआ है? अभी तो ओपन हुआ है, महमूद भाई ने ओपन किया है, तो फिर हमें भी हेल्प होगी इसके वजह से। आपको भी लॉन्च किया जाए, आपके बाद आपको लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट को लेकर, आप से सुनेंगे या महबूब भाई बताएंगे? महबूब भाई से पूछिए, महबूब भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये स्टूडियो खोलने की वजह ये थी कि जब हम शूट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एक आर्टिस्ट को, यहाँ के कॉन्फिडेंस मिलेगा रियल लोकेशंस पे आके रियल टीम के साथ में, तो हम लोगों ने जब भाइयों भाई जैसे आए हैं वैसे कई लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं, और उनको ये कहेंगे भाई आप अपनी चीज़ लेकर आए, हम शूट करेंगे और उसके साथ में हम रिलीज़ करने का वादा करते हैं। आज हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास स्टूडियो है, इक्विपमेंट है, तो बहुत जल्द हम अपना एडिटिंग सेटअप भी लेकर आ रहे हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम एक आर्टिस्ट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, फिर एक बार वो रम जाता है कैमरे के सामने खेलना शुरू करता है तो फिर वो रम जाता है, फिर उसको फिर हम स्टार्टअप की ज़रूरत है, तो स्टार्टअप हम देंगे बाकी ऊपर वाले के लिए। इनको लेकर कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप? इंशाल्लाह भाई वो 1 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल पे करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहोगे? आप बहुत अच्छे सिंगर है रेहान भाई, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, तो एक दो अपने म्यूजिक के अंदाज में, तेरा हूँ तेरा रहूँगा सदा, अपने दिल में मुझको जरा सी दे जगा, तेरा हूँ तेरा रहूँगा सदा, अपने दिल में मुझको जरा सी दे जगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।